अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वक्त मैं जाने लगी हूँ काम पर और 3 बजे की कॉल टाइम थी, 5:30 बजे ये लोग पहुँचे हैं। हम लेट करें तो टेंशन, खुद लेट करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि हमें पहले तैयार होना पड़ता है, उठना पड़ता है। अगर 3 बजे की कॉल टाइम है तो आधे घंटे का मार्जिन होता है कि जी उठ कर तैयार होना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, निकल सके। तो पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से तैयार होकर बैठी हुई, उससे पहले से तैयार हुई, फिर बैठी, खाना खाया, फजूल इंतज़ार करते रहे और अब जाके लोग आए हैं। तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से काम के लिए। तो खैर, ये थी आज की कहानी, दुख भरी मेरी। और आज मैंने फिर ब्लैक कलर पहना है क्योंकि मुझे कहा गया है कि आज हम जादू टूने पे काम कर रहे हैं, काला जादू पे या जादू पे। तो वो क्या है क्या नहीं है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। सिर्फ मुझे ये बोला गया, देखिए काले कपड़े पहन के आने। शुक्र अल्लाह का आज बाहर हवा चल रही है, मौसम अच्छा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा चल जाएगा, बाकी वरना कल तक तो गर्मी थी ना, ओए होए होए शदीद वाली गर्मी थी। खैर चलें, पॉलिश मारें शाइन वाले जूतों को, इससे भर करें एक बार ज़रा फिर शाइन मार लूँ जूतों को ताकि जूते खुद से चमक जाए। और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, बाहर जा रहे हैं क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं, हमसे वेट कराया नहीं जाता, लोग वेट कराते हैं। खैर बहुत, खैर ईद बहुत करीब है, बहुत कम दिन रह गए हैं, जानवर लोगों के आ गए होंगे और इतनी खूबसूरत इससे हवा चल रही है, दिल खुश हो गया बाहर आके। इसका मतलब है कि आज अच्छे मौसम में हम काम करेंगे और तकलीफ नहीं होगी। मम्मा भी घर पे नहीं है, जरा मैं उनको भी कॉल करती हूँ तो मैं काम करके जा रही हूँ। मम्मी जो इतना हिल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आज सुकून है बाहर। तो चलें जी काम पर चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और वही कहूँगी कि जो चीज़ें ज़िंदगी में अल्लाह पाक सबकी अच्छी अच्छी करें, क्योंकि बहुत कुछ हर घर में मसले मसाइल सब कुछ है, लेकिन वही बात है रब को सब कुछ पता है। हम बाज़ार हंसते खेलते बोलते हैं लेकिन अंदर का हाल जो रब जानता है। जिस तरह काची के हालात हुए हैं और आए दिन जो मर्डर्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं टूटा लपटी पे, छीना छपटी पे, तो वो बड़ा टेंशन होता है। हम घर से निकलते हैं हमें भी डर लग रहा होता है कि लोग बहुत बुरे हैं, लोग पैसे के लिए लोगों को मार देते हैं। खैर अल्लाह हिफ्ज़ हमारे अब यहाँ से चलते हैं और बाकी की बातें छोटे 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 उसमें ऐड कर देंगे और आज की वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है, वो है जादू टोने पे, तो जो लोग जादू करते हैं उनके ऊपर। और जो जादू ऐसे कहते हैं कि बड़ा हक है लेकिन करने वाला काफ़ी है, तो जो इसकी अपडेट है वो जाकर पता चलेगी। असल करने वाले कहाँ मिलेंगे और ज़्यादातर इस तरह टोने के लोग होते हैं जो 90% लोग पैसा से ये। जी हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऐसा काम करते हैं, बहुत ज्ञान में फ्रेश है। और अब हम लोग यहाँ से अपने प्रोग्राम के लिए आ गए, इलाहाबाद छोटा सी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, यहाँ से जाएंगे उस तरफ जहाँ पे एक शख्स है जिसको ये देखेंगे कि उनके साथ क्या मामला है भी के नहीं है, और फिर वह हमारे साथ क्या मामला होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हम लोग रिकॉर्डिंग में पहुँच चुके हैं। चलिए जी हम लोग शूट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग काम के लिए तैयार हैं। जैसे कि पहले बताया था कि जादू टोने पे ऐसा काम होने लगा है, कितना सच है कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ आने के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ढोंगी होते हैं, और जो ढोंगी होते हैं उससे आपने दूर रहना है और पैसा ज़ाया नहीं करना, ये कह कह के ये हो गया वो हो गया फलां हो गया।
जो करने वाले अच्छे लोग होते हैं वो बहुत काम मिलते हैं। खैर इस वक्त हम ऐसी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि ये बरहक है जादू लेकिन हर करने वाला आमिल नहीं है। तो खैर पहुँच गए और यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। मैंने आज फिर ब्लैक कपड़े इन्हीं की फरमाइशें पहने, इन्होंने कहा था जी आज आप काले कपड़े पहने और काले कपड़े पहन के हम लोग अपने काम की तरफ आ गए। तो यहाँ से चलते हैं काम की तरफ क्योंकि अब यहाँ से ये इलाका कौन सा है, लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ से अब हम लोग करने लगे हैं काम को शुरू। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, हम लोगों को कवर करना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पर यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे कि काले जादू की जो हवाले से प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। होता है लोगों का वहम होता है, क्या होता है इसकी तमाम चीज़ें आज आपको हमारे एपिसोड पे कि मिलेगी वो जो कॉल पर जिसको आप बहुत ज़्यादा अपने स्क्रीन पर देखें। घर का पूरा जायजा ले रहे हैं शाद पखरी साहब, प्रॉपरली पता चल सके कि इस घर में कोई चीज़ है कि नहीं है। तो बस आज के प्रोग्राम में आप ये सब देखेंगे और इस वक्त काम शुरू हो चुका है और शाद पखरी साहब जो है वो प्रॉपरली हर चीज़ों को देख रहे हैं। चलो जी, शख्स है जिस पर हाजिरी आती है और जिसके लिए प्रॉपरली यहाँ तक आया गया है और रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरा बुरा हाल हो रहा है ऐसा क्या करूँ। अरे जी, ये वो संबंधी है जिस पर हाजिरी हो रही है बहुत सालों से। अभी सच है झूठ है इसका फैसला थोड़ी देर तक हो जाएगा क्योंकि इस वक्त हम सब यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे साथ जी बड़े बड़े लोग आए, ओ माई गॉड, ये जिन उतारने के लिए और बाबा हमने बुलाया चैनल से, अपने चैनल से हमने इन बाबा को बुलाया। तबियत खराब होती कंधे भारी सर भारी कोई बोझ आता है जी, दिल खींचता है जी, तो उस वक्त क्या होता है आप बेहोश हो जाते हो? आपको भी बेहोश चीज गलियों से होता है। अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा शूट हो गया। उस औरत पे जो हाजिरी थी वो तो आ गई है लेकिन भाई ने बोला है फकरी भाई ने कि अब दोबारा नहीं होगा, तो ये तो हमें कल ही पता चलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ से निकल रहे हैं, चीज़ें जो थी ख़तरनाक थी, सो वहाँ पे जो मनाजिर थे बहुत ख़तरनाक थे, जो रिकॉर्ड हो चुके हैं और आप इसको हमारे प्रोग्राम में देखोगे। 15 साल से ऐसे लड़ो, 15 साल से अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान है और 15 साल से इतने सारे लोगों को पैसे दिए लेकिन कुछ भी युवा कहीं भी बेहतरी नहीं आई। हमारे चैनल का कैसे पता चला? देखा था वो बच्चे का हॉस्पिटल में। अच्छा चले, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। तो जिंदगी है ना, जिंदा पता ही नहीं है कैसे मजे से सो रहे। वाह, तो बस यहाँ से निकल के जा रहे हैं और ये गलियाँ आपको पता चल रही होंगी। भाई थोड़े से मुझे हिस्ट्री बताओ अपनी बेगम की। मतलब अभी तो क्या आपके सामने ही है जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये कि रात जो है ना ये हमारी बड़ी मुश्किल गुजरती है। रात को वो तुम्हें तंग करती है, गुस्सा करती है? नहीं, तंग नहीं करती हूँ। मुझे एक दफ़ा इशारा दे देते हैं कि भाई मेरे में रात आ गए हैं तो आप देखा वो उठ के ना होश में आकर ले। अच्छा, रोजाना रात आते हैं? 2-4-10 दिन बाद काम होता है? डेली? तुम डेली ही कैफियत देखते हो? जी मैं डेली बच्चों को भी और इसकी भी सबकी कैफियत देखती हूँ। अल्लाह का बंदा ऐसा मिला जो मुझे इससे जान छुड़वा देंगे, इसलिए मैंने क्यू टी वी का सहारा लिया। चले जी, इसीलिए फिर ये 21 आए और क्यू टी वी भी गए, बहुत से चैनल पे गए। अब यहाँ पे देखे हम एक आलिम भाई को लेकर आए, फखरी भाई को, और अल्लाह करे उन्होंने बड़े बात बोलिए कि बड़े बड़े लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए और यहाँ से इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा काम हो जाएगा। और फिर आप इनसे रूचू ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस वक्त हम बहुत गए हैं अब्बा जी सरकार और यहाँ पर भी इनका मौकफ लेंगे कि क्या कहते हैं इस बारे में अब्बा जी सरकार। ये जो बाबे हैं और ये जो पीर हजरात हैं ये बड़े टेक्निकल लोग हैं, मेरा ये फील्ड नहीं थी और ना मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, लेकिन तहकीक के बाद इल्म के बाद ये इस बात का अंदाजा हुआ है मुझे कि ज्यादातर लोग खेलते हैं जी, खेलते हैं मजबूरियों से खेलते हैं जी, मजबूरियों से खेलते हैं
और उनके अंदर जिन्नात को खुद डाल देते, दिमागी तौर पे जिन्नात डाल देते। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बाजी। अच्छा किचन वगैरह बनाया हुआ है, खाने पीने का सिस्टम था ना। हाँ आ गई, चले चले माशाल्लाह, चले चले।